हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान भाग 12 में 20 नए प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंगों की संख्या जो है कितनी है, ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक है लाल, हरा, नीला, सभी। तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। प्राइमरी कलर्स कितने हैं? 3 हैं। और लाल भी है प्राथमिक रंग, हरा भी है और नीला भी है। तो हमारा उत्तर होगा सभी। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह है शुक्र। कुछ लोगों का मानना है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, तो बुध को सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि शुक्र का वायुमंडल में जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है जो विकृत होने वाली ऊष्मा को सोख लेती है। चूंकि शुक्र के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए शुक्र का तापमान सबसे अधिक है। ये तकरीबन औसत तापमान शुक्र का 462 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, मंगल का औसत तापमान -65 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र का 462 डिग्री सेल्सियस और बुध का 167 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है शुक्र है। अगला सवाल है, नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद है कि जब 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान ने युद्ध किया, तो पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश का अभ्युदय हो रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान ने भारत पर पश्चिमी सीमा से भी मोर्चा खोल दिया। इसमें भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के नौसेना पर आक्रमण किया और उसके जहाज को डुबा दिया। कराची बंदरगाह पर इतनी बमबारी की कि ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंतर्गत कि कराची का बंदरगाह 7 दिनों तक जलता रहा। तब से प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा 4 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इनमें से कोई ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही गलत है। अगला सवाल है, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 के अंतर्गत ये कराची बंदरगाह पर हमला किया गया था भारत से। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कहां विधानसभा नहीं है? गोवा में, लक्षद्वीप में, पांडिचेरी में और दिल्ली में। आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। इसमें ऑप्शन में गोवा में विधानसभा है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, पांडिचेरी में भी विधानसभा है, दिल्ली में भी विधानसभा है। तो हमारा उत्तर होगा लक्षद्वीप। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि एवं खनन, सूती वस्त्र उद्योग,
हवाई जहाज या सेवा। तो देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आते हैं, जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी का जहाज और जितने भी आपको मोबाइल हैं वगैरह वगैरह, आईटी सेक्टर से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, ये सब जो है सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और खनन, कृषि में पशुपालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन इत्यादि सब आता है। कृषि और खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण उद्योग आते हैं, जैसे लोहा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा कृषि एवं खनन, कृषि एवं खनन। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक समाचार एजेंसी नहीं है? समाचार एजेंसी नहीं है, AIR, PTI, ANI, UNI। AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ANI मतलब एसोसिएटेड न्यूज, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, और UNI का मतलब यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारा उत्तर होगा यह AIR कोई न्यूज एजेंसी का नाम नहीं है। बाकी UNI, PTI और ANI ये तीनों भारत की न्यूज एजेंसी है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कलहन, आर्यभट्ट, चाणक्य, वराहमिहिर। तो हमारा उत्तर होगा चाणक्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य, और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आधुनिक काल के इतिहासकारों ने चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा है। मैकियावेली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। और इन्होंने राजनीति शास्त्र पर बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक का नाम है अर्थशास्त्र। ऐसे चाणक्य नीति दर्पण का भी उन्होंने निर्माण किया है, लिखा है। अगला सवाल है 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? लुइस गलुक को, पीटर हैंडके को, ओल्गा टोकारजुक को, या काजुओ इशिगुरो को। तो देखें ये सभी के सभी जो हैं नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता हैं। काजुओ इशिगुरो को 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओल्गा टोकारजुक को 2018 का नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया था। पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने 2019 में। और 2020 में लुइस गलुक, हमारा उत्तर होगा लुइस गलुक, गलुक को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नौवां सवाल है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? शिव प्रसन्न सिंह यानी एसपी सिंह, डॉक्टर एसके सिंह यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जय रामदास दौलत राम। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के उपरांत जय रामदास दौलत राम को बिहार का प्रथम गवर्नर राज्यपाल नियुक्त किया गया और ये इस पद पर 11 जनवरी 1948 तक बने रहे। तो हमारा उत्तर होगा जय रामदास, रामदास दौलत राम
कब बने? 15 अगस्त 1947। कब तक रहे? से 11 जनवरी 1948 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 10, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.0, 8.5, 10.5। तो हमारा उत्तर होगा बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेसिक नेचर का कंपाउंड है। 8.5 बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होगा? 8.5। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है? गोल्ड यानी सोना संकेत होता है इसका Au, लोहा यानी Fe संकेत है Fe, प्लैटिनम यानी Pt और टंगस्टन यानी W, उल्फराम भी कहा जाता है इसके अयस्क को W। तो इनमें किसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो देखते हैं सोना का गलनांक होता है 1064 डिग्री सेल्सियस, लोहा का 1538 डिग्री सेल्सियस, प्लैटिनम का होता है 1768 डिग्री सेल्सियस, 1768 डिग्री सेल्सियस और उल्फ्राम यानी टंगस्टन का होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे अधिक जो है गलनांक किसका होगा? टंगस्टन का। यही कारण है कि जो बिजली के बल्ब बनाए जाते हैं उसके फिलामेंट गलनांक अधिक होने के कारण टंगस्टन के बनाए जाते हैं। टंगस्टन संकेत W और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, थाबो मम्बेकी, नेल्सन मंडेला, डी क्लार्क। ये सभी के सभी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डी क्लार्क जो थे 1989 में राष्ट्रपति बने थे, 1989 में 15 अगस्त 1989 को। ये बने थे नेल्सन मंडेला महोदय, ये बने थे 94 में 10 मई को। निन्यानवे तक ये अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। थाबो मम्बेकी ये 1999 में राष्ट्रपति बने, 16 जून 1999 ये बने थे। और सिरिल रामाफोसा 15 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अगला सवाल है इनमें से किसमें सबसे अधिक कैरोटीन पाया जाता है? गाजर में, पालक में, पपीता में, आम में। कैरोटीन जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। पालक में 100 ग्राम पालक में 5620 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है, जबकि गाजर में 8285 माइक्रोग्राम 100 ग्राम गाजर में
8285 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है। तो हमारा उत्तर होगा गाजर। 100 ग्राम पालक में 5620 माइक्रोग्राम, 100 ग्राम गाजर में 8285 माइक्रोग्राम जो है कैरोटीन पाया जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1947 में, 1950 में या 1951 में? तो हमारा उत्तर होगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 1950 को हुई थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 15 अगस्त को यह घोषणा की कि योजना आयोग को हटाकर इसके जगह पर नीति आयोग बनाया जाएगा। नीति आयोग की स्थापना की गई। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग की स्थापना की गई भारत में ये 1914 में। इसके जगह पर जो आया संगठन उसका नाम है नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पर, और इसकी स्थापना 1914 में की गई। अगला सवाल है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क ओडोसोन ने, ओलोस रोमर ने, एडविन हवल ने, टाइको ब्राहे ने? तो हमारा उत्तर होगा ओले क्रिश्चियन और रोमर, जो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति को मापा था 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि इकाई का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? विद्युत को मापने में, वायु दाब को मापने में, ध्वनि को मापने में, ताप को मापने में? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, वायु दाब को मापने के लिए पास्कल पीए का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, और टेम्परेचर को हम 3 इकाइयों में मापते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है ताप का एसआई यूनिट, वह केल्विन होता है। केल्विन में जल का न्यूनतम तापमान 273.15 केल्विन होता है, जबकि जल का क्वथनांक 373.15 होता है। तो हमारा उत्तर होगा केल्विन। तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, ताप को के इकाई में मापते हैं, के फोर्ड केल्विन, केल्विन। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट? तो ये भारत की स्थिति है, ये जो है भारत का पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट, इसमें जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात वाले क्षेत्र को गुजरात तट के नाम से जानते हैं, गोवा वाले क्षेत्र को कोंकणी तट के नाम से जानते हैं, और केरल वाले तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पूर्वी समुद्री तट है इसको कोरोमंडल तट तट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अगला सवाल, गतिमान वस्तु में होती है जल विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा? तो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा जो और गतिज ऊर्जा इक्वल होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो जब किसी वस्तु में
स्थिति के अनुसार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो उसको स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब गति के कारण जो है उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है, इनमें से कौन उष्मारोधी पदार्थ है? एल्युमिनियम, कांच, पत्थर, हवा। हवा भी उष्मारोधी है, पत्थर भी उष्मारोधी है, कांच भी उष्मारोधी है, लेकिन एल्युमिनियम उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो हमारा उत्तर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो इसको हम देखते हैं, पहले इसका अणुसूत्र होता है 8E2O3। O3 ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन परमाणु के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के यहाँ 3 परमाणु है, तो ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जबकि लोहे के 2 परमाणु है, तो लोहा के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को 2-2 इलेक्ट्रॉन देना है। तो ऐसी स्थिति में लोहे की जो संयोजकता होगी वह +3 होगी, मतलब लोहा का एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और इस प्रकार लोहे की संयोजकता कितनी होगी? +3 होगी। इसलिए आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को प्रस्तुत किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद। आज